सो गाइस, इंडियाज बेस्ट डांसर के ग्रैंड प्रीमियर के फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा विपुल कांटपार और नेक्सन एंड चित्राक्षी और सौम्या कामलो को, इनको 30 out of 30 मार्क्स मिलते हैं इन जोड़ी को। वहीं बाकी कंटेस्टेंट को काफी कम मार्क्स मिलते हैं। वहीं दोस्तों, हम जानेंगे आज के एपिसोड में किसे फुल मार्क्स मिला और किसे लोएस्ट मार्क्स मिला, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वेल दोस्तों, संडे के एपिसोड में सबसे पहले जो परफॉर्म करने आती है वो है वैष्णवी एंड भरत की जोड़ी। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, वैष्णवी को ऑलरेडी ऑडिशन और मेगा ऑडिशन में देख चुके हो और भरत की कोरियोग्राफी आप पहली बार देखने वाले हो। इन दोनों का तड़का लगाते हुए इन्होंने काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया और सभी ने खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाई। बट दोस्तों, फाइनली जैसे ही मार्क्स देने का टाइम आया, जजेस ने कहा कि आपका जो कनेक्शन था वो मुझे नहीं दिखा और मुझे वैष्णवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, जिसकी वजह से सभी ने इनको कम मार्क्स दिए। जी हाँ गाइज, आप कह सकते हो सबसे लोएस्ट मार्क्स इस एपिसोड में, कल के एपिसोड में और आज के एपिसोड में मिला के जिसे मिले हुए वैष्णवी। जी हाँ गाइज, इतना लोएस्ट मिला कि ये जाते ही रोने लगी। वहीं दूसरे कंटेस्टेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उन्होंने टेक्निकल में देख रखा था, उनके अकॉर्डिंग इन्हें फुल मार्क्स और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड देना चाहिए था। बट यहाँ पे उल्टा ही हो गया, जिसके दौरान को सबसे कम मार्क्स मिलते हैं दोनों वीकेंड को मिला के। वेल, इंडियाज बेस्ट डांसर के मंच पे जिन्होंने परफॉर्म किया अगली जोड़ी, उनका नाम है वर्तिका एंड नेपो की जोड़ी। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, एंड सभी की नज़र इसी जोड़ी पे थी, क्योंकि इंडियाज बेस्ट डांसर का वन ऑफ द फेवरेट एंड उससे स्ट्रॉन्गेस्ट जोड़ी है वो नेपो एंड वर्तिका झा की जोड़ी। वेल दोस्तों, इन्होंने परफॉर्मेंस में स्टार्ट भी ऐसा ही दिया है, ओवरऑल इनका काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा रहा एंड सभी इनसे इंप्रेस हुए एंड सभी ने इनके भर भर के तारीफ की। बट दोस्तों, फाइनली जब मार्क्स देने का टाइम आया, फाइनली जजेस ने एक एक मार्क्स काट दिया और इनको मिलते हैं 27 मार्क्स। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, ओवरऑल आप कह सकते हो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और काफ़ी डिसेंट मार्क्स भी मिला, क्योंकि दोस्तों नेपो के साथ वर्तिका झा है तो लोगों की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको 30 out of 30 लेते हुए नजर आए। वेल दोस्तों, बढ़ते हमारे नेक्स्ट और धमाकेदार जोड़ी की तरफ, वो है दोस्तों स्टीव एंड रक्तिम की जोड़ी। एंड गाइस, ये जोड़ी काफ़ी ज़्यादा छुपी हुई जोड़ी थी, लोगों को उम्मीद नहीं थी, बट जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस किया है सभी की नज़रों में आ गया। जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूँ, इंडियाज बेस्ट डांसर के इस वीकेंड का सबसे जो खतरनाक और बेहतरीन परफॉर्मेंस था वो स्टीव एंड रक्तिम की जोड़ी का। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, हमारे जजेस ने खड़े होकर बीच परफॉर्मेंस के बीच इनको 10 out of 10 मार्क्स दे दिए। वेल गाइस, इन्हें फुल मार्क्स मिलते हैं, आप कह सकते हो तो बेस्ट परफॉर्मेंस था इस वीकेंड का एंड आप कह सकते हो ये सभी की नजरों में आ चुका है एंड स्टीव काफी खतरनाक कंपटीशन देने वाले हैं सभी अदर कंटेस्टेंट को। वेल, इंडियाज बेस्ट डांसर की जो नेक्स्ट जोड़ी थी वो अर्जुन एंड दोस्तों पंकज थापा की। एंड आपको पता होगा दोस्तों, पंकज थापा कितने स्मार्टली कोरियोग्राफ करते हैं और ऐसा ही इनके परफॉर्मेंस में इस वीकेंड दिखा एंड ग्रैंड प्रीमियर के मौके पर इन्होंने काफी अमेजिंग और डिफरेंट कोरियोग्राफी की, इतनी अच्छी की दोस्तों हमारे सारे जजेस काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं अर्जुन को उनकी मम्मी का सरप्राइज भी मिलता है, उनके स्टेज पे आके उनका स्वागत करती है। वेल गाइस, फाइनली मैं आपको उनके मार्क्स बताऊं तो गीता माँ एक मार्क्स काट लेती है, 29 मार्क्स मिलते हैं। ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, सभी भर भर के तारीफ भी करते हैं। वहीं बढ़ते हैं इंडियाज बेस्ट डांसर की नेक्स्ट जोड़ी की ओर, जिन्होंने परफॉर्म किया, उनका नाम है रुपेश एंड दिव्य ज्योति की जोड़ी। वेल गाइस, ये जोड़ी काफी डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता होगा रुपेश सोनी कितना खतरनाक कोरियोग्राफर है, बट दोस्तों हम कंटेस्टेंट की बात करें तो दिव्य ज्योति भी काफी खतरनाक डांसर है एंड इन दोनों का पेयर काफी अमेजिंग बनाया गया और परफॉर्मेंस में ऐसा ही झलकता हुआ नजर आया। बट जब मार्क्स देने की बजाय तो हमारे जो जजेस थे उनको उतना पसंद नहीं आया इनका परफॉर्मेंस और इनको काफी कम मार्क्स मिला, जो कि था 23। आप कह सकते हो ये सेकंड लोएस्ट था आज के दिन का एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस का भी। वेल दोस्तों, डेफिनेटली ये फ्यूचर में आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे और 30 out of 30 लेते हुए दिखाई देंगे। सो फाइनली इंडियाज बेस्ट डांसर की जो लास्ट जोड़ी इस वीकेंड परफॉर्म करती हुई नजर आई वो थी दोस्तों फाइनली अकीना एंड दोस्तों सुबनील की जोड़ी। और गाइज, ये परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है इस वीकेंड का, क्योंकि दोस्तों फाइनली जो इनको सॉन्ग मिला और जिस इमोशन से इन्होंने डांस किया है सभी को इंप्रेस करके रख दिया है। यहां तक कि दोस्तों बीच परफॉर्मेंस में हमारे जजेस ने खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाई एंड दोस्तों फाइनली फुल मार्क्स भी दे दिया। जी हां गाइज, आपने सही सुना, शुभनील एक बार फिर से छा चुके हैं इंडियाज बेस्ट डांसर के मंच पे अपने कंटेस्टेंट आकांक्षा मिश्रा के साथ। तो ये था दोस्तों हमारे सभी कंटेस्टेंट के मार्क्स। अगर हम बात करें सबसे लोएस्ट मार्क्स की, तो सबसे लोएस्ट मार्क्स मिलते हैं वैष्णवी एंड भरत को और सेकंड लोएस्ट मिलते हैं रुपेश सोनी एंड दिव्य ज्योति के। वहीं फुल मार्क्स काफी सारे कंटेस्टेंट को मिले, जिसमें से दोस्तों काफी कंटेस्टेंट को अनफेयर मार्क्स भी मिले हैं। वेल दोस्तों, इस वीकेंड आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसका लगा, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।